नमस्कार। ये बेल आउट पैकेज क्या होता है और ये क्यों जारी होता है और इसको कौन जारी करता है, इसके बारे में आज अपन जानेंगे। श्रीलंका की स्थिति के बारे में तो आपने जाना ही होगा। श्रीलंका आज दिवालिया होने के कगार पर है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, एक हद से ज्यादा। वहां का जो राष्ट्रपति है वो कहीं बग गए हैं। जनता ने राष्ट्रपति हाउस पर कब्जा कर लिया है और पूरे देश में एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि IMF श्रीलंका को एक बेल आउट पैकेज जारी कर सकता है उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। श्रीलंका की IMF बेल आउट पैकेज जारी कर सकता है। अब ये बेल आउट पैकेज क्या होता है, इसके बारे में आज अपन जानेंगे। आइए देखते हैं। श्रीलंका क्राइसिस क्या होता है। बेल आउट पैकेज दो तरह का होता है। सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल, यह आपको जानना जरूरी है। नेशनल बेल आउट पैकेज कौन जारी करता है, वहां की सरकार। जैसे किसी देश की सरकार होती है ना, तो वही नेशनल बेल आउट पैकेज जारी करती है। अब नेशनल बेल आउट पैकेज ये होता है, जैसे कि किसी देश की बैंक की अर्थव्यवस्था खराब हो गई हो, बैंक दिवालिया होने के कगार पे हो, तो उस बैंक की वापस स्थिति सुधार करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट कुछ पैसा उस बैंक को देती है ताकि उसकी स्थिति वापस सही आ सके। तो ये होता है नेशनल बेल आउट पैकेज, जो सिर्फ वहाँ की सरकार, जिस देश की सरकार हो उसी देश की सरकार किसी बैंक को बेल आउट पैकेज देती है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। अब अपन बात करेंगे इंटरनेशनल बेल आउट पैकेज। इसमें भी वही बात होती है कि कुछ पैसा देना किसी देश को, लेकिन ये देते कौन है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका इंग्लिश में ये है और हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह एक तरह का संगठन है। इसकी स्थापना 1945 को हुई और तकरीबन इसमें 190 कंट्रीज अभी इस देश सदस्य देश हैं। इस IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। एक दूसरे देश व्यापार को बढ़ाएं, अपने देश की आर्थिक उन्नति को बढ़ाएं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। सेकंड, दुनिया में गरीबी दूर करना। इसका यह भी है कि जो कोई देश गरीब देश हो उसको कुछ पैसा उधार देना, कुछ पैसा सब्सिडी के रूप में देना, मतलब पूरे विश्व में गरीबी कम करना, इसका भी मुख्य उद्देश्य है। थर्ड, आर्थिक स्थिरता लाना। किसी भी देश में अगर आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई हो तो उस देश की वापस आर्थिक स्थिति वापस सही स्थिति पर लाना। तो यही काम इंटरनेशनल बेल आउट पैकेज। अब IMF श्रीलंका को बेल आउट पैकेज जारी करेगा, कर सकता है, अभी किया नहीं, कर सकता है। तो वो क्या करेगा? वो उस श्रीलंका को कुछ पैसे देगा। वो पैसे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे दिए जाएंगे। और क्यों दिए जाएंगे? इसलिए दिए जाएंगे कि श्रीलंका वापस अपनी आर्थिक स्थिति में आ सके, वापस अपने देश को सही स्थिति पर आ सके। आज जो देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है, वापस वह देश कुछ पैसे उसको देकर वापस वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बेल आउट पैकेज जारी किया जाता है IMF की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से। एक कुछ ऐसी राशि दी जाती है उस देश को ताकि वह देश वापस अपनी उसी स्थिति में आ सके जो आज श्रीलंका उस स्थिति में। लेकिन एक बात कहते हैं कि बेल आउट जो पैकेज होता है ना, वह ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं होता है। वह हालांकि देश को वापस अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, वापस अपने देश के संसाधनों से वापस पैसे कमाने होंगे, लेकिन एक तरह से एक सहायता मिलती है उस देश को कि वापस अपने संसाधन खड़ा कर सके, वापस अपने देश से वापस पैसा अर्न कर सके और वापस इंटरनेशनल निर्यात कर सके। तो यह होता है इंटरनेशनल बेल आउट पैकेज। आपने देखा होगा दो तरह के बेल आउट पैकेज होते हैं, एक तो नेशनल और सेकंड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल बेल आउट पैकेज IMF के द्वारा जारी होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किसी देश को, और नेशनल बेल आउट पैकेज उसी देश के अंदर कोई बैंक दिवालिया होगा तो उस बैंक को वापस
खड़ा करने के लिए एक राशि उस बैंक को दी जाती है, तो यह होता है नेशनल बेलआउट पैकेज। तो आज आपने जाना होगा कि बेलआउट पैकेज क्या होता है और क्यों जारी किया जाता है।